SKM साड़ा मजबूत रहना चाहिए। सब तो वड्डी गल कि SKM जिहड़ा है उन्हूं कोई फर्क नहीं पैना चाहिए, उहदे ते कोई असर नहीं होना चाहिए, वो साड़ा मजबूत चाहिए क्योंकि देश व्यापी अंदोलन चलिया है ते देश व्यापी ही SKM बनिया जिहदा लोगों ने बहुत वड्डे पद्धर ते साथ दिता ते सत्कार भी किया। तो दूजे बन्ने राय भी आती है कि जेकर सारी आप एडा वड्डा अंदोलन लिया 13 महीने के करीब आप उ सड़कों पर रुलते रहे हैं, किसी पार्टी ने बात नहीं ली। ठीक है जेडे वर्कर की वो गल करते ना भी साढ़े वर्कर जाते हैं, वर्कर सारे कट्टे ने क्योंकि सट हर एक वज रही थी। किसान जथेबंदियों ने किनारा कर लिया, कहते चोणा नहीं लड़नी, साडा मकसद नहीं है चोणा लड़ना, साडा मकसद आ किसानी बचाना। जिन्हां लोगों ने कानून बनाने मदद की सानू सड़कों के रोलन के उन्होंने मजबूर किया, फिर जब फिर उन्होंने वोटा पाईए फिर उन्होंने पावे उन्होंने फिर की आस की जा सकती, वो अगह वास्ते ठीक करे। कल फिर विचार यह विचार भारू होया भी जेकर एक नाला गंदा हो गया जिन्होंने आप सिस्टम गंदा कह रहे हैं फिर उस नाले गंदे दे विच वड़ के तुहानू उहदी सफाई करनी पैनी है, ये भारू जो होया उहदे उत्ते विचार किया गया। अगर लड़ना ना लड़ना जे बाद दी गल आ, जवानी है पंजाब की, लोगों नू साडियां पार्टियां दे रहीयां 10 लाख दे देंगे बाहर तुर जाओ, लेकिन यही हो रहा ना भी बच्चों नू रुजगार नहीं हो रहा है, तुसीं कर्जा लो तो बाहर निकल जाओ। किसान जथेबंदी के प्रधान गुरनाम सिंह चूंटडूनी भी जिहड़े मैदान दे विच ने वह भी अपना पंजाब मिशन चला रहे हैं 2022 का, पहला जथेबंदियां विरोध कर दियां सी उन्होंने। अलग अलग नहीं लड़ांगे, जे लड़ांगे तो अलग अलग नहीं लड़ांगे, मेरी परसों भी गल हुई है जनूनी जी नाल, तो असी सारिया एक मंच से लिया के ही लड़िया जाए, जेडे जथेबंदियां बाहर की गल आप करते हैं वो भी हमायत करनगियां तो लड़िया जाऊगा, ऐसी गल नहीं कोई भी सारी की सारी इको जगह वोट पेगी जनूनी साढ़े नाल हो। किसान जथेबंदियां बीजेपी के ट्रैप च फस गई क्योंकि बीजेपी चाहती सी किसान लीडर ने जिहड़े वो सियासत करन सियासत दे विच उतरन। साढ़े देश के प्रधानमंत्री बहुत खिडारी ने, शतरंज के बहुत तगड़े खिडारी ने, जे असी इलैक्शन लड़ांगे तो लखा सधाणा भी लड़ूगा, बिल्कुल चलती रहती मेरे नाल डेली गल हुंदी है, मैं कल नूं भेज रहा बंदे उत्थे उन्हां दा प्रोग्राम है। दीप सिद्धू के बारे असी कुछ नहीं कहना चाहते, साडा भरा आ दुकानदार ने आ मेरे वीर आ तीजे दिन कोई ना कोई आ जाता है ना, जे एकता पे किसी की हिम्मत नहीं। पंजाब दियां 32 किसान जथेबंदियां दे विचों तकरीबन 22 किसान जथेबंदियां दे वल्लों पंजाब दियां 2022 दियां विधानसभा चोणां लड़न दा जिहड़ा ऐलान किया गया है। संयुक्त समाज मोर्चे के तहत जिहड़े किसान ने वो पंजाब दियां चोणां लड़नगे, साडे नाल संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर भी ने बूटा सिंह सादीपुर जो किसानां दी जथेबंदी बनी आ चोणां लड़न दे लई, उहनां दे भी मैंबर ने, ते नाल दी नाल भारतीय किसान यूनियन एकता मंच के प्रधान ने बूटा सिंह सादीपुर। गलबात करदे नाल किस तरह की रणनीति आ बूटा जी, चोणां दे लई किस तरह की रणनीति बनाई गई है, किस तरह चोणां लड़नगे किसान, किहड़ियां किहड़ियां सीटां ते लड़नगे जां फिर किसे पार्टी नाल गठजोड़ होण जा रहे? देखो ये तो लोगों की आवाज़ के उत्ते सानू आना पैया सी, नहीं तो हुण तक तो साढ़े बयान ही तकरीबन आउंदे रहे आ कि आपां इलैक्शन नहीं लड़दे, उहदे विच सारियां पार्टियां ने भी जतन किया बई जे किसान जथेबंदियां साढ़े नाल रल के इलैक्शन लड़दियां ने, तो हर एक वल्लों अप्रोच की गई। चलो उहदे विच असी फिर जो साडी मीटिंग हुई सारिया के व्यू जो आसे पासे आउंदे रहे उहदे विच फिर यह प्रोग्राम बन गया भी इहनू SKM जिहड़ा SKM साडा मजबूत रहना चाहिए, सब तो वड्डी गल कि SKM जिहड़ा है उहनू कोई फर्क नहीं पैना चाहिए, उहदे ते कोई असर नहीं होना चाहिए, वो साडा मजबूत चाहिए क्योंकि देश व्यापी अंदोलन चलिया है ते देश व्यापी ही SKM बनिया जिहदा लोगों ने बहुत वड्डे पद्धर ते साथ दिता ते सत्कार भी किया, ते उहने देश दे ताकतवर प्रधानमंत्री नूं साडियां मंगां मनण वास्ते मजबूर भी किया भी उहदे ते कोई असर नहीं पैना चाहिए। इस करके फिर जदों जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां मीटिंगां हुंदियां रहियां उहदे विच फिर SSM दे नां ते इक जथेबंदी तैयार कीती गई, जथेबंदी बनाई गई, मोर्चा बनाया गया, ते उहदे विच इसी कहि के इलैक्शनां लड़ियां जाण, उहदे विच व्यू जिहड़े ने उह हर इक पासिओं नैगेटिविटी पॉजिटिव भी आउंदे रहे भी किवें होणा चाहिए। उहदे विच आम लोगों की यह राय भी है भी इलैक्शन नहीं लड़नी चाहिए, ये भी राय, तो दूजे बन्ने राय यह भी आती है कि जेकर सारी आप एडा वड्डा अंदोलन लिया 13 महीने के करीब आप उ सड़कों पर रुलते रहे हैं, किसी पार्टी ने बात नहीं ली। ठीक है जेडे वर्करां की वो गल करते ना
भी साडे वर्कर जाते हैं, वर्कर सारे कट्ठे ही ने, क्योंकि सट हर एक वज रही थी, हर वर्ग में वज रही थी, चाहे वह दुकानदार है, चाहे मुलाजम है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे आड़ती है, चाहे मुनीम है, चाहे पलेदार है, चाहे छोटा व्यापारी है, हर एक सट वज रही थी इन्होंने कानूनों के करके, ता ही अंदोलन मजबूत होया। बूटा जी कुछ किसान जथेबंदियों ने किनारा कर लिया, कहते चोणा नहीं लड़नी, साडा मकसद नहीं है चोणा लड़न, साडा मकसद आ किसानी बचाना, तो होर मजदूरों को बचाना, तो होर वर्गों के लिए आवाज़ बुलंद करनी। उही मैं तुम्हें दस लग्या, फिर विचो ये भी वो आने लगे भी फिर उन्होंने वोटा पाया ने जिन्हों लोगों ने कानून बनाने सहाई हुए, जेडे जिन्हों लोगों ने कानून बनाने मदद की, सानू सड़कों के रोलन के उन्होंने मजबूर किया, जब फिर उन्होंने वोटा पाइए, फिर उन्होंने पावे उन्होंने फिर की आस की जा सकती, वो अगह वास्ते ठीक करे, मतलब कल फिर विचार ये विचार भारू होया भी जेकर एक नाला गंदा होगा जिन्होंने आप सिस्टम गंदा कह रहे हैं, फिर उस नाले गंदे दे विच वड़ के तुहानू उहदी सफाई करनी पैनी है, ये भारू जदों होया उहदे उत्ते विचार किया गया, अगर लड़ना ना लड़ना जे बाद दी गल आ, फिर इहदे उत्ते विचार होया भी ये होना जरूरी है, ये गंदे सिस्टम नूं बदलन वास्ते सानू एक बार जरूर अगे आना पऊगा। हुण अज वेखो तुसीं गल सुणो, जवानी है पंजाब दी, लोगों साडियां पार्टियां दे रहियां 10 लाख दे देंगे बाहर टुर जाओ, लेकिन यही हो रहा ना भी बच्चों रुजगार नहीं हो रहा है, तुम कर्जा लो तो बाहर निकल जाओ, बाहर टुर जाओ, सारी पंजाब की जवानी कुछ नशिया ने खा ली, कुछ बाहर चली रही, असं इन्हों गल कहने भी कोई एजेंडा लियाओ लोगों के सामने जिंद रुजगार दो, कि दुनिया बेकार है, नौजवान बच्चे डिग्रियां चुकी फिरते हैं, पोस्ट निकलती है सेवादार की, PhD वाले बच्चे उत्थे जाते हैं, तो वह भी फिर पेपर अप्लाई हो जाते हैं जी, पोस्टा दे वास्ते फार्म खरीदे जाते हैं, भरे जाते हैं, वो बाद चो भी पता नहीं निकलते हैं, तो इदा दिया सिस्टम सारा गंदा होया पाया, वो सिस्टम सुलझाने वास्ते, सिस्टम सही करने वास्ते, नौजवानों रुजगार देने वास्ते, तो हर एक वर्ग का भला करने वास्ते सोचा सी भी जेकर अगे लग के कोई आवाज़ बुलंद की जाए तो चंगी गल है, बाकी अजे वेखते हैं किवें विचार चल रहा है। हरियाणा की किसान जथेबंदी के प्रधान गुरनाम सिंह चूंटडूनी भी जिहड़े मैदान दे विच ने, वह भी अपना पंजाब मिशन चला रहे हैं 2022 का, पहला जथेबंदियां विरोध कर दिया सी उन्होंने, पर हुण खुद मैदान दे विच उतर गईयां। हाँ वो असी वेखो पहला उन्होंने सस्पेंड भी करना पाया, साडे सीनियर आगू ने ऐसी गल नहीं कोई बहुत सत्कारयोग ने, तो उन्होंने सस्पेंड करना पे इसे करके भी तुम ये जरा हमने चला लिया ना पंजाब मिशन ने बंद करो, जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं होंगे, कानून रद्द करा लो, जिहड़ा ये मिशन लैके आए हुए हैं पंजाब तो चले हाँ भी कानून रद्द कराने चले, कानून रद्द हो जाएंगे उस तो बाद तुसी सिर जोड़ के बैठो, बैठ के फिर अपना विचार करो, जे विचार बनता इलैक्शन लड़ लो, नहीं बनता तो रहन दो, पर जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर कोई गल ना करो, ध्यान भटकता लोगों का, लोग उस पास जुड़नगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो जो तुहाडा मोर्चा हुण बणिया क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, क्योंकि वोट डिवाइड होगी किसानों की, फिर नुकसान तो किसानों की होगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अलग अलग नहीं लड़ांगे, जे लड़ांगे तो अलग अलग नहीं लड़ांगे, मेरी परसों भी गल हुई है चनूनी जी नाल, तो असी सारियां नूं एक मंच ते लिया के ही लड़िया जाए, जिहड़े जथेबंदियां बाहर की गल आपां करदे आं वह भी हमायत करनगियां ते लड़िया जाऊगा, ऐसी गल नहीं कोई भी वोट वह भी बाहर नहीं पाते, वोट वह भी जेकर किसान जथेबंदियां इलैक्शन लड़दियां ने सारी की सारी इको जगह वोट पऊगी, चनूनी साडे नाल होणगे। पर कुछ लोगों के यह भी सवाल ने मन के भी किसान जथेबंदियां BJP के ट्रैप च फस गई, क्योंकि BJP चाहती सी किसान लीडर ने जिहड़े वो सियासत करन, सियासत दे विच उतरन, तां करके ये मोर्चा टुट सकदा नहीं, ये मोर्चा आने वाले दिनों सानू भी होर भी नुकसान पहुंचा सकदा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, बिल्कुल वेखो राजसी पार्टियां दा तां उन्हां दा तां गेमां खेडण दा तजर्बा भी है, हुण साडे देश दे प्रधानमंत्री बहुत खिडारी ने, शतरंज दे बहुत तगड़े खिडारी ने, ठीक है ना, वो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई भी मोर्चा बिल्कुल कायम रहेगा, मोर्चे नूं आंच नहीं आउण दित्ती जाऊगी, वो सानू साडे ते शरीर दे उत्ते जिसे दे मर्जी कुछ आ जावे, लेकिन जिहड़ा SKM बनिया इह ते आंच नहीं आऊगी, उसे तरह मजबूत पहलां कहिंदी सी वी इह जथेबंदियां सियासत कर रहियां, उहनां दी गल ते मोहर ला गई, फिर तां हुण कहणगीआं उहदा वी सियासत लई मोहर नहीं, असीं इह गल कही सी वी जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं हुंदे, अगर जे कानून रद्द ना हुंदे ते बिल्कुल असीं तां आउणा ही सी, बैठी उत्थे सां, असीं इह वी गल कह दित्ती सी वी जे कानून नहीं रद्द होणगे, नहीं करदा देश दा प्रधानमंत्री ताकतवर आ भी असीं चल के नहीं आवांगे, फिर साडियां लाचां आउणगीआं जां कानून रद्द होणगे, उन्हें रद्द करा ले ने, हुण कानून रद्द हो गए उस तो बाद जिवें विचार चलता अगे देखदे आं। सनौर हल्के तो बूटा सिंह सादीपुर होणगे उम्मीदवार संयुक्त समान मोर्चे, वेखो ऐसी कोई गलबात नहीं है, जे वो पार्टियां दा साडी जिहड़ी जथेबंदी बनी है हुण परसों मीटिंग जलंधर विच होई आ, उहदे विच 45 जथेबंदियां होर आईआं जिहड़े समाजिक धार्मिक सारिया जथेबंदियां ने आके उत्थे, फिर उहदे विच जिहड़े एक्स सर्विसमैन ने, नौजवानों दीआं जथेबंदियां ने, कलाकार ने जिन्ने, वो सारे दे सारे उत्थे आए आ, मतलब इहनूं सपोर्ट कर रहे हैं,
भी ये होना चाहिए। कोई भी होवे जो जथेबंदी वालों हुक्म होगा बूटा सिंह शादी पर उही करूगा। चोणा लड़न के फैसले का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर दर्शनपाल हो गए, अपना डल्लेवाल हो गए, जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी होगी, लखोवाल हो गए, विरोध कर रहे हैं, वो कहते साडा मत भी नहीं है चोणा लड़न। देखो लखोवाल जी तो नाल सीगे विच जदों जदों ने बनया सारा प्रोग्राम, बाकी बाकी वो ये है भी वह सपोर्ट चाहणगे, सपोर्ट च सारे ही आउणगे। मैं तुहानूं पहला भी यह गल दसी है, सपोर्ट तो कोई बाहर नहीं रहेगा। जिन्हां ने अंदोलन लड़िया जिहड़ियां जथेबंदियां ने सारियां सपोर्ट च होणगियां। इन्हां दे संविधान लिखे हुए आ पहले, जिहड़े कई वार कईआं दे संविधान की कोई प्रॉब्लम आउंदी है उहदे विच कोई डिक्का पैंदा, इहो जिहियां गल्लां बातां ने। लेकिन एक दूजे तों दूर नहीं होणगे, दिल बिल्कुल नेड़े ने, रख के चलांगे। पहला भी इकट्ठे रखे से, पहला शुरुआत भी इतों पुनरेड़ी तो हुई सी, तुहानूं भी पता उहदे संबंध च, ते हुण भी जिहड़ी है जे किते कोई लोड़ पई ते इत्थों ही चलांगे, अड्डो अड्ड नहीं होण दिंदे, इकट्ठे लैके चलांगे। लखा सदाणा भी संयुक्त समाज मोर्चे दा जिहड़ा हिस्सा होवेगा, बिल्कुल हिस्सा होगा, वह भी साढ़े नाल होगा। जे असीं इलैक्शन लड़ांगे तो लखा सदाणा भी लड़ूगा। गलबात चल रही उहनां नाल? बिल्कुल चलती रहिंदी जी, मेरे नाल डेली गल हुंदी है। मैं कल नूं भेज रहा बंदे उत्थे, उहनां दा प्रोग्राम आ, मैं इत्थों भी, तो साडी जिहड़ी मानसा जिले वाली जथेबंदी है वह ग्रुप है जिहड़ा उत्थों वाला, वह भी जा रहा है। देखो डट के सपोर्ट करांगे सारिआं दी, उह साडी इत्थे करनगे, असीं उहनां दे करांगे, डट के होऊगा। एक चिट्ठी का बड़ा रौला पिया, चिट्ठी देखी होनी है जी अमरजीत रियाड़ा ने वायरल की है, दीप सिद्धू भी सवाल चुक रहा, हूँ तो राजेवाल तो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, कहते भी चोरियों समझौता कर फिर बीजेपी नाल जथेबंदी है, भी कानून रद्द कर दो, दूजे को सोध कर दो, एक राज सरकार से छड़ दो, चिट्ठी काफ़ी वायरल हो गई। देखो ये तो अभी तो थोड़े को सुन दिया, सानू नहीं पता चिट्ठी के बारे, अभी उत्थे रहे हैं हूँ, रड़ा भी उदों बिचे, रड़ा उत्थे क्यों नहीं बोलिया, फिर रड़ा उत्थे गल करता जिदन आए हैं। असी दो दिन पहला भी मीटिंग हुई है, सारा कुछ होया उत्थे, मीटिंग दे विच गल पर बंदा कंडियों ओले गल्लां करनियां उहदा कोई फायदा नहीं हुंदा, उहदा चुक्किया चकाया चक्की होई किवें कहिंदे लंबड़ां दी एवें करके, है ना, एवें करके कोई कहावत जी पाउंदे, ने बिल्कुल सीधी गल। वेखो दीप सिद्धू दे बारे असीं कुछ नहीं कहना चाहुंदे, साडा भरा आ, असी उहदे बारे कख नहीं चाहुंदे, उह शुरू तो लै के इत्थे अंदोलन दे नाल रिहा, बाहर बह के करदा रिहा। मैं तो यह गल कहना भी जिहड़ा दो करमा दूर बह के भी अंदोलन वास्ते कुछ करता रहा, वह अंदोलन की हिमायत करता रहा, वो जो मर्जी कहण, मैं उन्हां बारे कुछ नहीं कहना चाहुंदा। मैं रड़े की गल करदा कि रड़ा बेच रहा साढ़े लास्ट मीटिंग तक बेच रहा, जिहड़ियां लास्ट मीटिंग होईआं उहदे च उठ के खड़ के कह दिंदे असीं भी फड़दे, तां हुण उहनां नूं लिआओ दस्सो किन्ने लिखी चिट्ठी, क्यों वायरल होई है अंदोलन खत्म होण, उहदे ते सैन ऐ करो, उहदे ते सैन दिखाओ किसी दे, ते कोई प्रूफ लै के आओ, आपां उहनां नूं हुणे खिच्चदे आ भी लिआओ दस्सो किन्ने लिखी चिट्ठी, कोई सहन तो होना, एवं कोई कागज़ चक के किसी के खिलाफ पा के प्रचार कर देना, यह गलत गल्लां ने कुलदीप जी, नहीं शोभा दिंदियां। सवा साल इलैक्शन लड़िया उत्थे लड़िया, आप अंदोलन है जिहड़ा, एक आँच नहीं अंदोलन नूं आई, आउण सार इन्हां नूं की हो गया, चिट्ठी चल गई, हो गया कानून रद्द हो गए। मैं कहना एकते च बरकत आ, एकता रखण, एकता रखणगे, कोई किसी के खिलाफ कोई सरकार आ जाए किसी नूं हिम्मत नहीं पैनी इन्हां दे खिलाफ कानून बनाउण वास्ते, जां इन्हां नूं तंग परेशान कर आ दुकानदार ने, आ मेरे वीर आ तीजे दिन कोई ना कोई आ जाता है ना, जे एकता होवे किसी की हिम्मत नहीं पैंदी, किसी की हिम्मत नहीं पैंदी इन्हां नूं तंग करना। मैं परसों भी बोल के तो गया, इकट्ठे रहो, कोई तुहाडे वल वेखेगा नहीं, अख चुके अख कढ देंगे जिहड़ा देखूगा, ठीक है। ऐसी गल पर रकेश कहते हैं भी अपने आप को वक्त कर लो, कहते चोणा लड़ना साडा मकसद नहीं, किसान संयुक्त किसान मोर्चा सब तो वड्डे लीडर ने, मैं वेखो सीनियर आगू ने, मैं उन्होंने बारे कुछ नहीं कहना चाहता, हर कदा आपो अपना विचार है, जो कह रहे हैं वो सत्कार योग ने। प्रधानमंत्री रूल रैली होने जा रही है फिरोजपुर के, कानून रद्द कर दिए गए, फिर विरोध क्यों, कुछ जथेबंदियों वालों ऐलान किया गया भी विरोध करेंगे कालियां झंडियां के, अर्थी फूक मुजहरे हो रहे हैं ना, गलत गल है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए विरोध। मैं परसों भी कही है गल, इतने परसों साढ़े प्रोग्राम सेगा गुरुद्वारा साहब, उदन भी थोड़े चैनल आए, उन्होंने पूछा मैनू, उदन भी कोई पुतले पतले फूकण की गल हो रही थी, मैं कहना अभी 15 जनवरी का टाइम दे के आए हाँ, भी 15 जनवरी एस के एम की मीटिंग दिल्ली होगी, तो उत्थे असीं विचारांगे, वेखांगे भी प्रधानमंत्री ने देश दे ने केंद्र सरकार ने जिहड़ा साडे नाल रिटर्न च फैसला करिया उन्हां तों किन्ना कु उन्हां ने कम कीता, परचे रद्द वाले ने, होर मसले आ जिन्ने भी किहड़ा किहड़ा उन्हां चों करिया, किहड़ा किहड़ा जे नहीं करिया, उहदे विच गौर करके फिर अगे वधांगे असीं। जे समझो सानू देश दा कि देश दा प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रिहा, फिर असीं उहदे खिलाफ जिहड़ा कोई प्रोग्राम लिखणा सारे बह के लिखांगे, तो हुण 15 तक भी आपां टाइम ना देईए ये गलत गल लगती है। आ सानू मंग करनी चाहिए भी देश का प्रधानमंत्री साढ़े पंजाब आ रहा है, उन्होंने पंजाब के मसले हल करने चाहिए ने, अज सारा पंजाब करजे के दल दल च फसया पिया, उन्हां तों मंग करनी चाहिए सानू भी किसान करजे च, मुलाजम करजे च, मजदूर करजे च, दुकानदार करजे च, व्यापारी छोटा करजे, सारे का करजे चढ़े ने, भी देश का प्रधानमंत्री आउंड करजा माफ करके जाए, इनका 3 लाख करोड़ करजा सरकार दे सिर ते आ, जिहदा सरकार करजा लै के हैगा उहदी ब्याज तारदी है, करजा लैके ब्याज तारदी है सरकार, वह मंग करिए भी वो साढ़े सिर ते जिहड़ा करजा पंजाब सरकार दे सिर ते
ते इन्हां वर्गां दे सिर ते जिहड़ा करजा वह माफ करके जाण, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैना, ये लोग खुशहाल हो जाणगे। बिल्कुल साढ़े वल्लों कोई विरोध नहीं हैगा। अही तां एस के एम की मीटिंग जे कोई फैसला होगा, मैं सारिया उन्हां जथेबंदियां नूं भी कह रहा भी तुसीं मंग करो, सारे तगड़े होकर मंग करो भी जे देश का प्रधानमंत्री आया इतने खाली टुर जा फायदा की है। अगर उन्हूं मौका मिलेगा, मैं एक होर गल करनी चाहुंदा, वो कहेगा भी तुसीं अपनी गलती नहीं रहे, 15 तक तुसीं गल रखी हुई है अपनी, है ना, तो तुसीं अपनी गलती नहीं रहे, फिर मैं हुण की करा, बहाना मिलेगा। बहाना नहीं सानू देना चाहिए, अपने मसले हल कराने वास्ते देश के प्रधानमंत्री तो सानू मंग करनी चाहिए ने, साडियां पंजाब दियां मंगां जिहड़ियां ने उन्होंने पहल के आधार पर हल करके जाए, करजा माफ करके जाए, सरकारी भी तो सारे वर्गों का ही माफ करके जाण, लोग वेलकम करनगे, मेरे ख्याल के मुताबिक वह विरोध नहीं होगा। फिर तुहाडी जथेबंदी दे लीडर ने बलबीर सिंह राजेवाल जी चोण लड़ रही है, उन्होंने बयान दिता कि आम आदमी पार्टी के साथ गलबात चल रही है, गठजोड़ हो सकता है, उन्होंने बयान किस तरह की? असी उन्होंने आगू बनाया जी, वेखो उत्थे भी रहे ने, तो इत्थे भी जो जिदन SSM बनया वो असी उन्होंने प्रधान बनाया, उहदा वो जो कर रहे ने उही कर रहे ने, इहदे बारे वो दस सकते ने, मैं कुछ नहीं दस सकता, उन्होंने पता। गठजोड़ हुंदा आम आदमी पार्टी नाल किसान जथेबंदी जो मुख्यमंत्री हो पंजाब दा, ये बारे भी उही गल करनगे जां केजरीवाल दस सकते ने, ये बारे मैं कुछ नहीं दस सकता, ना मैनूं इहदे बारे पता, उही दसणगे जिन्हां दी गल हो रही है, मेरे नाल ना किसे दी गल होई है, ना मैं इंट्रस्टड ही आ इस गल दे विच भी मैं ही करां जाके। असीं उहनूं जदों प्रधान चुन लिया, एक आगू चुन लिया, हर एक ने भज के अगे की जाणा, उह गल कर रहे ने, तुहानूं दस दिंदा किन्नीआं सीटां दा समझौता हो सकदा पंजाब दे, जेकर कहिंदे सानूं 70 देण, उह सारियां अनाउंस करी खड़ा, असीं कहिंदे बहुत सहमति साडी चाहीदी है, असीं कहिंदे साडी बहुत सहमति चाहीदी है, है ना, हां ते नहीं नहीं हो जूगी गल, हो जाणी है। वेखो एक गल उहनां नूं वी पता है कि जेकर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BJP ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਦੀਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। 70 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 5 ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋੜੇ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।